आकाश को हुआ अपनी गलती का एहसास, ऐश्वर्या को निकालेगा घर से बाहर। धरती पुत्र नंदिनी शो का ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग हो रहा है। शो में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है, कहानी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाला एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है, जहां ऐश्वर्या का पर्दाफाश हो चुका है, सबके सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है और इसके बाद आकाश को अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, जिसके चलते वो नंदिनी को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। क्या हुआ आप भी देखें। दादी मां, ऐश्वर्या इस घर से नहीं जा पाएगी। क्या है डॉक्टर जी? डॉक्टर जी ने कहा देखिए, दरअसल उनके उनके सर पर गहरी चोट आने की वजह से उनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए। ये कौन सा नया नाटक है? क्या देखिए, नाटक नहीं है, सच में उनके पैर पैरालाइज हुए हैं। नंदी ने भी कहा हाँ अंग्रेजी हीरो, वो सच में अपने पैर नहीं हिला पाए। ज्योति का वॉइस ओवर, आज हमें भरोसा हो गया कि भगवान कर्मों की सजा इसी जन्म में देता है। डॉक्टर ने कहा देखिए सुमित्रा जी, फिलहाल पेशेंट के कंप्लीट रेस्ट करने की जरूरत है, बाकी एक बार रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो हम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे हम? करना क्या डाले, उसकी पैर खराब नहीं आकाश, वो तुम्हारी वजह से नीचे गिर गई है। और तुम भी जानते हो अगर तुमने उसे घर से बाहर निकाला। अब तुम भी जानते हो अगर तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो वो फौरन पुलिस में फोन कर देगी और हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। और वैसे भी ऐसी हालत में हम उसे घर के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और चाहे वो हमारी कितनी भी बड़ी दुश्मन क्यों ना हो, और चाहे वो हमारी कितनी ही बड़ी दुश्मन क्यों ना हो, हम उसे ऐसी हालत में घर के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जब तक वो सही नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। इसलिए जब तक वो सही नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। नंदिनी का लेकिन दादी माँ। नंदिनी, इस बात पर हमें कोई बहस नहीं सुननी। पहले भी ठीक थी, वो बस नाटक कर रही थी। और वैसे भी मैंने उसे बोल दिया थोड़ी देर आराम करो, फिर इस घर से निकल जाओ, क्योंकि दादी वो अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। पहले उसने नंदिनी के बच्चे को मारा, फिर उसने नंदिनी पे खून का झूठा इल्जाम लगाया। पर आप कितने एक्साइटेड है इस आने वाले एपिसोड को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बाज़ूका के साथ बने रहें।